हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़्मा किचन्स। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई बिल्कुल नई तरीके से, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मछली लिया, जिसको मैंने अच्छी तरीके से साफ करके धो लिया है। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के नमक, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के हल्दी पाउडर, या फिर 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालने। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस। तो 1 नींबू का रस हम इसमें निचोड़ लेंगे इस तरह से। नींबू का रस इसमें ज़रूर डालें, उससे जो फिश होती है बहुत बढ़िया बनती है। तो मैंने इसमें 1 नींबू का रस भी डाल लिया है, और डालने के बाद अब इन्हें अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिला लेंगे, तो मैंने मिला लिया है इसको। अब हम इनको फ्राई करेंगे तवे पे। तो मैंने तवा ले लिया है, तवे में हम फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, जितने में अच्छे से फ्राई हो, ज़्यादा हमें फिर तेल नहीं डालना है, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा तेल डाल के हम इसमें मछली के पीसेस लगा देंगे। तो ये तेल डालने के बाद तेल गर्म हो गया, तो मैंने इसमें मछली के पीसेस इस तरह से लगा दिए हैं, जितने आए उतने पीस लगाए एक बार में। मछली के पीसेस लग गए हैं, अब इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो सारे पीसेस मैंने जितने आए एक बार में इतने बिछा दिए हैं, और इनको पलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। और मैंने यहाँ फ्लेम को हाई रखा था स्टार्टिंग में, और बाद में मैंने इस फ्लेम को लो कर दिया है। लो करने से ये होता है कि जो मछली के पीसेस होते हैं अंदर तक अच्छे से गल जाते हैं। और 2 मिनट के बाद हम दोबारा से हाई कर देंगे, ताकि ये हल्के से क्रिस्पी बने। मैंने सारे पीसेस को एक बार पलट दिया है दोबारा से। पलटने के बाद इनको इस साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये मछली के पीसेस इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और बिना झंझट के इसको बना लेते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।